हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स फाइटर बर्ड्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। सो दोस्तों, आज हम आए हैं RRPS क्लब में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ये सारे के सारे खिलाड़ी हैं और बाकी जो है अतीक भाई आपको सब कुछ बताएंगे अच्छे से कि क्या हम करने जा रहे हैं आज और क्या होगा। तो अतीक भाई बताइए, आज क्या हम करने यहाँ पे आए हैं? भाइयों, आज हमारे 200 GPS की रेस की टैगिंग है जी। अभी ये टैग होंगे बर्ड, यहाँ से स्टिकर लगाए जाएंगे, स्टैंप लगाई जाएंगी, बर्ड को केज के अंदर लॉक करके हम लोग गाड़ी के साथ भेज देंगे। ठीक है। फिर ये 200 GPS से जाके वहाँ से बर्ड रिलीज होगा। 200 GPS मतलब एयर डिस्टेंस। ठीक है। बाय रोड अगर लगाएंगे तो 250 किलोमीटर प्लस है वो। ठीक है। तो वहाँ से रिलीज होंगे और फिर जो बर्ड आएगा उसके स्टिकर वगैरह निकाल के उनकी रेस का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो आपके क्लब में कितने मेंबर्स हैं टोटल? टोटल मेंबर अभी तक है करीब 18-19 मेंबर्स हैं अभी। मतलब 20 के करीब आप मान के चलिए कि मेंबर्स हैं। तो अभी जो यहाँ पे खिलाड़ी खेल रहे हैं वो कितने हैं टोटल? अभी करीब 10 लोग हैं। 10 लोग हैं जो क्रेज खेल रहे हैं, और बाकी कोई किसी का बर्ड नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम किसी वजह से नहीं खेल रहे हैं? किसी के पास बर्ड्स नहीं थे, किसी के पास मतलब कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई, फैमिली प्रॉब्लम से क्या कहते हैं वो लोग नहीं खेल पाए। जी जी जी। नेक्स्ट ईयर जो उम्मीद है जी, 20 प्लस मेंबर जो है वो लोग रेस खेलेंगे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो है एक बार सबका नाम एक बार बता देते हैं। भाई जी अपना नाम बता दीजिए। रिंकू भाई। रस्तोगी जी हैं। मिर्ज़ा लॉफ्ट। एसएन लॉफ्ट। नासिर भाई हमारे। वी एंड लॉफ्ट। सलमान लॉफ्ट। सलमान भाई और आसिफ। ए लॉफ्ट। और हमारे नीरज भाई जो है वो अभी आ रहे हैं, तो उनको भी आपसे अगर होगा तो आपको वीडियो में ही मिलवा देंगे। अभी अपने फैजान भाई भी हैं, वो भी आने वाले होंगे। अच्छा, वो भी आने वाले होंगे। तो ये बाकी सारी जो आपकी फड़कियां आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे आ चुकी हैं। इनमें टैगिंग वैगिंग का हम शुरू करते हैं जल्दी से और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में। तो दोस्तों ऊपर आ चुके हैं और अतीक भाई के लॉफ्ट में आ गए हैं। नीचे तो आपको दिखा ही रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है। और ये देख लीजिए जो ये उड़ी, ये कबूतरी है, मेल है ये। अच्छा, ये मेल है। तो अतीक भाई ये बताइए, ये वाला जो आपने कबूतर पकड़ा है ये बच्चा है कि बड़ा है? मतलब पुराना कबूतर है कि नहीं? 7-8 महीने का बर्ड। अच्छा, 7-8 महीने का है। 7-8 महीने पुराना। दोस्तों ये देखो, ये अरे वाह 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 यार, ये देखो क्या लाजवाब है। ओए होए होए होए, मतलब यहाँ से अब कबूतर वापस नहीं जा सकता चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों ये देखो, ओए ये बर्ड था जिसने प्लेसमेंट करी, थर्ड प्लेसमेंट जिसकी आई। अच्छा, इनके ये लगा रखा है जिससे कि पिछले हैं, पिछली बार उड़े। अच्छा। तो आज जो हमारी रेस हो रही है ये 200 हो रही है, ये 200 GPS की होगी। 200 GPS समझ लीजिए जैसे बाय रोड है 250 किलोमीटर, बाय एयर है 200 GPS। अच्छा, और रोड जो है कितना है? रोड से 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर रोड। एयर का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं ना। हाँ, एयर का जरूरी है। एयर डिस्टेंस रहते हैं कि छत से उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, जैसे हम लोग फ्लाइट के लिए लेते हैं ना, वैसे ही डिस्टेंस का इसका। एक बार इसको सामने से दिखा दीजिए बस दोस्तों, ये देखो बहुत ही बढ़िया। तो ये आपके कितने मतलब टाइम की मेहनत है, मतलब जैसे कि मैं शौक आपने कब से शुरू किया है? शौक को तो भाई करीब करीब 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। बड़े वाले भाई हैं वसीम भाई। हाँ। तो उन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा। अब वो है कि लॉकडाउन के अंदर मेरा जब घर पे थे तो शौक ज्यादा बढ़ गया। हाँ। अब वो बढ़ा तो फिर वो इस लेवल पे बढ़ गया कि भाई आज के टाइम में रेसेस खेल रहे हैं। पहले दूसरे क्लब के अंदर रेसेस खेली, अब आज के टाइम में ये है कि अपना खुद का एक क्लब बना लिया। ठीक है, तो अब इस टाइम पे मेंबर्स भी करीब करीब 20-21 मेंबर्स भी है क्लब के अंदर, और अब देखिए 10 मेंबर तो इस बार खेल ही रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अगले साल क्या कहते हैं 20 प्लस मेंबर होने चाहिए जो रेस खेलेंगे। बिल्कुल। दोस्तों ये भी नर है जी। तो अतीक भाई ये जो आप जो कबूतर रख रहे हो ये आपके खुद की ब्रीडिंग कबूतर है या आप कहीं से परचेज करते हो? अच्छा, खुद की ब्रीडिंग के। दोस्तों ये देखिए, और वाकई में ये कबूतर क्या ये भी घूमर में ही है? ये लाल वाला बहुत ही बढ़िया। देखो दोस्तों, वाह जी वाह, छोटा बच्चा है, एक दो गली का बच्चा। ऐसा लग रहा है कैरियरों में से है, मतलब हुमर है ये, मगर कोई से तो कैरियर ही कहेगा ऐसे। ये फीमेल है। बहुत ही बढ़िया। इसके भी देखिए स्टैंप लगी हुई है। दोस्तों ये दिखाने का रीजन ये है कि जैसे कि अब तो सबके या छतों पे तो हम जा नहीं सकते, मगर अतीक भाई की छत पे है, यहीं पर ही हो रहा है, तो कबूतर हम आपको सारे दिखा रहे हैं कि भाई ये कबूतर उड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि मैं कहता ही हूँ कि मतलब डब्बे में डाल दिया और वहां जाके छोड़ दिया कि भाई क्या उड़ा है कुछ नहीं पता, रेड मिली था। ये रिंग्स भी है, इनके ऊपर टैगिंग होगी पूरी प्रॉपर। हाँ।
ठीक है, देख लो दोस्तों। इस पे रिंग नंबर जो है ना, ये सब पूरा सब क्या कहते हैं हमारी टैक्स शीट के ऊपर क्या कहते हैं सब लिखा जाएगा। हाँ। और उसके बाद इसके पैर में एक स्टिकर लगेगा, स्टिकर लगेगा, ठीक है। स्टिकर लगने के बाद जब ये बर्ड वापस आएगा तो वो स्टिकर उतार के हम लोगों को भेजना पड़ेगा। बिल्कुल। ये क्या है, नर है कि मादी? ये फीमेल है। अच्छा, ये फीमेल। एक बार सामने से दोस्तों ये देखिए, वाह जी वाह। देखो दोस्तों, अब आपको पूरी वीडियो देखने में मजा आया क्योंकि शौक देख लो बहुत बढ़िया। तो अभी आप जो है 6-7 बर्ड छोड़ोगे अभी आप? जी इस बार 5 बर्ड छोड़ रहा हूँ, पिछली बार 6 छोड़े थे। अच्छा, एक मिस हो गया, मिस हो गया। वाह जी, जैसे कि अतीक भाई ने देखो कलर भी बना रखे हैं, ये देखो इस जरद देखो, वाह जी। और ये भी हुमर में ही है? नहीं, जरद हुमर नहीं है। अच्छा, हुमर नहीं है, ये पटियाला है। मतलब कहने के बाद अतीक भाई ये कि मतलब हुमर बाज क्या है, तो हम हुमर ही मानेंगे कि भैया हुमर ही है। एक ये जरद पटियाला है। अच्छा अच्छा, एक ये जरद पटियाला है। अच्छा, मतलब आपको पटियालों का भी थोड़ा शौक है? थोड़ा पटियालों को ये मेनली इसलिए रख रखे हैं, जैसे बर्ड जब वापस आते हैं ना, हुमर बोल देता हूँ तो समझ लीजिए वो अंदर नहीं आते, हुमर तो अपनी उड़ान पूरी करता है। ये पटियाले जो है ये थोड़ी देर उड़ने के बाद थक के फिर वो कहते हैं चलो अंदर जाने दो। हाँ, ये बात सही है। तो ये थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट बहुत बढ़िया। बाकी दो बर्ड उधर है, पर मैं आपको वैसे दिल से बताऊं, ये नहीं कि मैं आपके लॉफ्ट में खड़ा हूं तो आपकी झूठी तारीफ कर दूं, मगर आपके लॉफ्ट में जो कबूतर है ना, मतलब वाकई में बहुत लाजवाब कबूतर है सच में। अभी कल मैंने एक बर्ड डाला था, शायद आपने देखी हो वीडियो। हाँ, ये फीमेल डाली थी। अच्छा अच्छा, आपको ध्यान होगा मैंने उसके अंदर एक वीडियो कल एक ग्रुप में डाली थी वीडियो। ये अभी एक कली की पट्टी है। अच्छा, मतलब और अगर वैसे लुक वाइज देख रहे हो आप, ये तो कबूतर पूरा कबूतर लग रहा है मतलब। नहीं, पर एक कली की पट्टी है ये, अभी देखो एक ही कली नहीं आई भी है, बाकी सारी पुरानी है, मतलब तो बस बच्चा ही है अभी तो मतलब। मगर वही है कि उड़ रही है तो उड़ने के अंदर अभी काम मतलब उस तरीके कर रही है अभी, मगर रेस वेस के अंदर इसे नहीं डाला क्योंकि अभी छोटी काफी है, एज कम है। बहुत प्यारी आंख है दोस्तों, एज काफी कम है, इस वजह से कहीं से नहीं डाली। अच्छा, अभी ये नहीं आप उड़ा रहे हो? नहीं, इसे उड़ रही है मगर रेस में नहीं डाला है। मगर एक बार भी आपने इसकी टॉसिंग वगैरह करी है? टॉसिंग वगैरह नहीं करी है दोस्तों। ये देखो, ओए होए, देखो दोस्तों एक बार देख लो बस। मैं वैसे मैं तो ये कहूंगा कि ये पूरा कबूतर है, मगर अतीक भाई कह रहे हैं कि भाई उनके यहाँ कबूतर था, ये एक कली का पट्टा है, मतलब पट्टी है। और अतीक भाई हुमर को ना कहने की जरूरत नहीं पड़ती ना कि भाई ये हुमर है दोस्तों, ये दिखी रहा, देखो ना इसके इसका चेहरा होना देखो, मगर मद्रासी बात तो कह देंगे मद्रासी है जी, मद्रासी। अच्छा, ये भी पट्टा हो गया, ये भी पट्टा ही है, ठीक है, चार गली का पट्टा हो गया, मगर उसने अभी तक नहीं गिरा ये, जबकि इससे पहले की पट्टी है। हाँ। कुछ बर्ड होते हैं इसमें रेसिंग उम्र में जो क्या कहते हैं ना कलियां अपनी रोक के चलते हैं। हाँ, ये भी नहीं आप उड़ा रहे हो? नहीं, ये मतलब उड़ रहे हैं, नहीं मतलब ये रेस में नहीं, रेस में नहीं, रेस में नहीं है। अच्छा, अभी ऐसा कुछ है क्या भाई कि काले हुमर बड़े कम मिलते हैं, ऐसा कुछ है क्या वैसे? ऐसा नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, काले या कोई रेड कलर या कोई और ग्रिजल कलर लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं, रेस में जब डालते हैं ना तो ये बर्ड जल्दी हाईलाइट हो जाते हैं। अच्छा, हाईलाइट होने का मतलब ये हो जाता है जैसे शिकारी है कोई, काज हो गया, शिकरा हो गया, तो इन लोगों के लिए ना इजी टारगेट होते हैं, ठीक है। जैसे आप समझोगे अगर 10 बर्ड जा रहे हैं एक साथ, उनके अंदर अगर एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, एक रेड है, तो वो इजी टारगेट होगा उनके लिए, वो उसके ऊपर निगाह गड़ा के ना उसका शिकार कर लेंगे। और अगर 10 के 10 जा रहे हैं ना, अगर सारे ब्लू है या चेकर है, उसके अंदर दिक्कत क्या होगी कि वो कभी एक पे से निगाह दूसरे पे जाएगी, दूसरे तीसरे पे जाएगी, वो इजी टारगेट नहीं होंगे। सही बात है। तो इस वजह से क्या कहते हैं ये जो कलर होता है ना, तो बंदे इसलिए प्रेफर जरा कम करते कलर को, ये मतलब हरे हरे उड़ाए। बाकी ये जो ब्लैक है इसके बाप और माँ दोनों क्या कहते हैं मेरे यहाँ रेस में उड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जो मेरे यहाँ बर्ड जो सेकंड पोजीशन मारी थी, तो 3-4 बर्ड थे, सब एक साथ ही आ रहे थे। तो आपके घर का पट्टा है? हाँ, ये भी मेरे घर का। एक बार सामने से दिखा दीजिए। और घर का पट्टा कहने का मतलब दोस्तों कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे तो कह देंगे घर का पट्टा है, अब मैं घर का पट्टा कैसे, देखो ये रिंग भी डली है इसके पैर में जो कि 8mm की डली हुई है, ये रिंग निकलेगी नहीं कभी अब इसके। V&A के नाम से ही है। हाँ, ये देख लो दोस्तों, मतलब V&A मतलब कि इन्हीं का लॉक है। हाँ, ठीक है दोस्तों, तो ये है सीन। और ये देखिए, अभी आएगा बैठेगा, और मतलब छोटा स्वीट और प्यारा लॉफ्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बना लो इसका तो मैं दीवाना हो गया सच में, इसकी तो नजर उतार के फेंक देना कहीं, बहुत ही प्यारा है। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। ये बच्चा मेरा 3 दिन में उतरा वापस, पहली बार निकला था लॉफ्ट से बाहर, ये दोनों भाई हैं बात फ्लैग। हाँ, वाकई में ये 3 दिन में उतरा वापस, बहुत ही पहली बार निकला था। नहीं, बहुत अच्छा लॉट में रखा, तकरीबन इसमें मेरे ख्याल से 40 एक कबूतर आ जाएंगे आराम से, इसमें बहुत आराम से। हाँ, बोले बात तो इसके अंदर 100 डालते हैं, 100 डाल देंगे। सही बात है। अगर हमारे तो दीपा ने 100 डाल लिए सारे? हाँ, इसमें 5 डाल लिए। अच्छा, 2 उधर।
चलिए दोस्तों एक बार ये है, ये अंधेरे के वजह से दिख नहीं रहा, नीचे दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे इस वाले लॉफ्ट में वो लाइट नहीं है और इसमें भी स्टैंप लगी हुई है यहाँ पे जो कि मैं आपको नीचे सब दिखाऊंगा अच्छे से। तो अब यहाँ कट कर देता हूँ, बाकी नीचे लेके चलते हैं और ओके बट भी आपको दिखाएंगे। भाई जी क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम है फैजान। अच्छा कहाँ से हैं आप? न्यू जाफराबाद। न्यू जाफराबाद। कितने कबूतर लेकर आए हैं आप यहाँ पे? मैं लेके आया हूँ 8 कबूतर। 8 कबूतर। तो ये आप जो दिखा रहे हो ये भी क्या है, फीमेल है मेल है? एक बार दिखाइए। वाह जी वाह, ये देखो दोस्तों बहुत ही बढ़िया। तो ये जो है आपने पिछली रेस में भी किया था, तो इसने क्या मतलब आया, ये कितनी देर में आया, क्या हुआ, कुछ बताइए। मतलब जो मेरी फीमेल जो आई है ना पहले नंबर पर, उसके बाद ही आया था। अच्छा और इतने स्मार्ट क्यों लग रहे हो वैसे, ये तो बताओ। आज ये स्पेशल तैयारी कर रहा है ना। अच्छा अच्छा, आज आप आने वाले थे तो ये भी तैयारी कर रहा है। हाँ बहुत ही बढ़िया, फोकस देखना इससे ले। तो चलिए फिर दिखाइए कैसे करते हैं। स्टैंपिंग शुरू हो रही है। आप अपन वो बताओ ना, उसमें नंबर बताओ पहले। आगे टिक मारते रहना बस आप। भाई जी इधर हो जाइए थोड़ा सा आप, बस। तो दोस्तों आपको जो है पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे कैसे कबूतर लाए जाते हैं, कैसे कैसे इनके इसमें जो है, इसको क्या बोलते हैं, टैगिंग बोलते हैं इसको जी, टैगिंग। तो ये कैसे चिपकाया जाता है, ये बेसिकली जो हमारे रिचार्ज कूपन होते थे ना पहले, बहुत बहुत पहले जो रिचार्ज करते थे हम, तो उस तरह का कुछ ये हिसाब किताब है जो आपको दिखाएंगे दोस्तों। चलिए पहले थोड़ा सेटअप सा कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों। बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे। और ये वही रिचार्ज कूपन है जो हमें हमारे जो छोटे टाइम में मिलते थे, शायद मेरे ख्याल से अभी भी मिलते होंगे। नहीं अब तो शायद नहीं मिलते। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से चिपक रहे हैं, ये देखिए। और ये तब स्क्रैच होंगे जब कबूतर जो है घर पे पहुंचेगा। तो ये स्क्रैच होके और उसके बाद क्या होगा फिर? इसके अंदर का एक यूनिक कोड होगा। हाँ वो यूनिक कोड आपको देना पड़ेगा। और ये वो कहाँ पे देना होगा? वो जो है ग्रुप हमारा एक बनता है, अलग ग्रुप है। विशाल भाई पहले स्टैंप देख, उसके अंदर डालना है। ये देखिए दोस्तों, ये पहले की स्टैंप लगी थी, अब ये नई स्टैंप लग रही है आज। ये देखिए दूसरे वाला दिखा दीजिए, जो दूसरे पिछली लगी थी, देखो ये पिछली थी 150 जीपी और ये एक और। तो ये दो रेस खेल चुका है कबूतर, दूसरी रेस में आज जा रहा है। तो कितने का बेच रहे वाला कबूतर? तो दोस्तों हमने इनकी माँ आपको दे रखी है, हैं ये भगा दी मैंने। तो चलिए दोस्तों दूसरा कबूतर निकालते हैं, आपको दो चार कबूतर दिखाएंगे। पहले जो है हम फैजान भाई ना, फैजान भाई के दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे सारे जितने भी यहाँ पे खिलाड़ी आ रखे हैं, पूरे 10 खिलाड़ी हैं, तो 10 खिलाड़ियों के हम आपको दिखाएंगे। 10 हैं कि अतिक भाई थोड़े कम है? 10 मेंबर्स हैं, अभी अच्छा। एक दो लोग और आने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जो जिन लोगों के बर्थ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जिन लोगों को आगे क्लब में एंट्री लेनी है, एंट्री लेनी है, कुछ लोग सपोर्ट के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया, कुछ टीम के हिसाब से भी है ना, जैसे सलमान भाई और अपने आसिफ भाई की टीम है। ठीक ठीक, ये अपने आसिफ भाई और सलमान भाई की टीम है, जोड़े में है। तो कुछ कुछ जोड़े में भी है, ये कुछ भाई है हमारे, ये हमारे अहमद भाई है, ये इन्होंने भी इसके लिए पिछली बार, रिंकू भाई ने, भाई हमारे क्या कहते हैं, रिंकू भाई कहाँ से हैं आप? चांदनी चौक से। और आप कहाँ से भाई जी? भाई जाफराबाद से। बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों ये सारे खिलाड़ी हैं जिनके कबूतर यहाँ पे लेकर आ रखे हैं, और दूसरा लेवल चिपका रहे हैं। हाँ ये हीरोइन है, आप हीरो, ये हीरोइन। तो दोस्तों मजाक मस्ती चलते रहना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल बोर है ना। तो ये देखिए, अच्छा ये थोड़ा आई थी क्या ये? लॉफ्ट में सबसे पहले यही करी। अच्छा भाई जी बैठ जाइए ना, बैठ के करी। हाँ तो दोस्तों ये देखिए दूसरा लेवल चिपक रहा है, और ये देखिए और ये देखिए पहले लगी हुई है, एक स्टैंप लगी हुई है और दूसरी ये लगा दी है। और दोस्तों मैं आपको स्टैंप का एक और बात बताऊं, अतिक भाई बताइए स्टैंप वाला हिसाब है क्या आपके, मतलब एक बार कबूतर जो उड़ गया, जैसे मतलब पहली रेस में जो कबूतर उड़ गया वही कबूतर उड़ेगा 5 रेस तक? वो है क्या ना, देखिए किसी के पास बर्ड ज्यादा है किसी के पास कम है, तो हमने एक लिमिट रख रखी है कि 20 बर्ड्स सिंगल एंट्री कर सकते हैं। हाँ हाँ, एक लॉट से 20 बर्ड्स जा सकते हैं। हाँ और 20 बर्ड्स का हिसाब क्या है कि अब
सपोज मेरे पास 40 है, किसी के पास 5 ही है, तो वो कहीं से कहीं तक कंपटीशन एक लेवल में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमने 20 बर्ड्स की लिमिट रख दी ना, तो उसके अंदर अब वो बंदा कहेगा 20 से ज्यादा नहीं छोड़ सकता, भले उसके पास 50 है, वो अपने टॉप 20 जो भी निकालेगा अपने 50 में से 20 निकाल के वो हमें दे सकता है। बिल्कुल, तो उसी वर्ड को हम वापस रिपीट करेंगे रेसिस के, चाहे वो बीच में बास खा जाए या कुछ हो जाए, हमें मतलब है। हाँ, क्योंकि ऐसा है कि जिसके पास 10 वर्ड है तो उस बंदे के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 10 वर्ड के अंदर वो 10 में कोई 11 तो ऐड कर ही नहीं सकता। सही बात है, सही। उसका अगर एक लॉस हुआ तो उसके 9 ही बचेंगे। बिल्कुल, इसी वजह से हम लोगों ने रखा है 20 में से अगर एक लॉस हुआ तो 19 ही छोड़ेंगे। बिल्कुल। चलिए तीसरा बर्ड भी रख रहे हैं, और तीसरा बर्ड ये वाला था, इसको कोई कहेगा तो गोला कह देगा वैसे मगर ये फैजान भाई ने तोड़ मोड़ करके पता नहीं क्या बना दिए, वो यही जानते हैं बस। हाँ दोस्तों, जैसे आपको एक इन्फॉर्मेशन और छोटी सी देते हैं, बताइए हार्दिक भाई। अब ये टैग लगा दिया ना सब सारे बर्ड्स पे। जी जी, ठीक है, तो उनका एक सैंपल यहाँ आ गया है जी, जो मतलब जो छोटा टैग है। जी जी, ठीक है, इसके अंदर जो नंबर होगा ना वही उसी में होगा। अब वो बर्ड के पैर में भी वही नंबर होगा, जब वो बर्ड वापस आएगा ना तो सेम होने चाहिए, मैच होने चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर अलग हुआ तो नहीं काम बनेगा। हाँ ठीक है, और ये जो सेम है यही एक कॉपी हमारे पास रहेगी क्लब में। बहुत, ठीक है, तो जब ये डाल देंगे तो जब इसका नंबर आ जाएगा तो उस हिसाब से फिर हम लोग क्या कहते हैं वहाँ पे फिर टैली करेंगे कि हाँ जी सेम नंबर है जो हमने लगाया था टैग, वही नंबर है या नहीं है। अगर वो सेम होगा तो हम लोग इसको वेरीफाई कर देंगे कि हाँ जी ठीक है, कम्प्लीट है। दोस्तों कहने का मतलब फिर से बता देता हूँ, जो ये टैग है वही एक टैग कबूतर के पैर में भी है, सेम टू सेम स्टैम्प उसकी और ये क्या कहते हैं क्लब की स्टैम्प और साइन। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये देखो जैसे कि इस तरीके का माहौल चल रहा है यहाँ पे। हेलो, ये जो कौशल भाई हैं, जो कौशल भाई हैं ये प्रेसिडेंट भी है हमारे क्लब। अच्छा अच्छा, ये क्लब के प्रेसिडेंट भी है कौशल भाई, तो इनका सिर्फ एक बर्ड है सिंगल बर्ड, तो ये सिंगल बर्ड से ही खेल रहे हैं। तो मतलब एक बर्ड है तो हम तब भी खेल सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि 6 बर्ड लेके आओ, 7 बर्ड लेके आओ, 8 से कम एक बर्ड और मैक्सिमम 20 बर्ड। बहुत बढ़िया, मतलब 20 बर्ड तो मैं नहीं है। जी जी, बीट में 20 में जितने मिस हो जाते हैं किसी के तो वो उतने ही छोड़ेगा और आगे नहीं बढ़ाएगा अपने। समझ गया समझ गया। अब आप 20 छोड़ रहे हैं, आपके 18 रह गए थे, 18 ही छोड़ोगे? 18 ही छोड़ूंगा बस, ये बात। दो बर्ड मिस है मेरे, दो मिस है। तो आपके जो अभी 20 बर्ड थे तो आप कोई मिस हुआ आपका? दो मिस हुए अभी। अच्छा, दो मिस हो गए? दो मिस हुए। पकड़े, खबर कोई नहीं आई अभी वैसे उनकी, भटक रहे हैं, क्या है बाज है क्या कर रही है, पकड़ लिया किसी ने? अरे चिड़ी मार ने पकड़ लिया रस्तोगी जी, वो तो पकड़ लिया, वो तो कह रस्तोगी जी का है, तो हम नहीं देंगे। फोन तो कर देते हैं वैसे, ऐसी बात नहीं है। हाँ दे देते हैं भाई, मतलब वो देते नहीं, देते नहीं, शुरू कर देते हैं। क्या पकड़ लिया है जी आपका? पकड़ लिया, आप आ जाए, अभी इतनी दूर लेने कौन जाए। सही बात है। नंबर है आपको उसमें? जो नंबर मेरा रस्तोगी लोक लिखा हुआ, मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है। ठीक, मेरा अभी पकड़ा गया था वहाँ पर एक गाजियाबाद सेक्टर 11 के अंदर। अच्छा, नोएडा में? नोएडा सेक्टर 11 में। हाँ अच्छा, वहाँ पर एक काबली बात था, उस पर पकड़ा गया। आप भी बहुत बढ़िया था, उनने कहा मुझे काबली दे देना दो तीन, तो हमने से तीन काबली दिए, उनने फर्द नहीं दे दिया। बहुत अच्छा था, पता कैसे मिस किया, उनने कैच कर दिया, बटेर कर दिया, अब वो इसमें छूटा नहीं है। सही, मगर आ गया, लिया आया। 60-65 किलोमीटर पड़ा कम से कम, हमें पता होता है दूर हम जाते ही नहीं लेने। हाँ सही बात, अब वो तो चलते चले गए, जब एड्रेस घूमते घूमते पहुंचते चले गए, जब उसे घर जाके पहुंचे जब पता लगा इतना लंबा पड़ गए थे। सही बात, तो फिर वापसी भी नहीं आ सकते थे, फिर लेके आए। बहुत बढ़िया। तो रस्तोगी जी की हमारी कुछ बातचीत थी, और अब ये लगा दिया दोस्तों रिचार्ज कूपन वाला जो मैंने आपको बताया था। अब ये घर आके रिचार्ज होगा, जो एक किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं हो सकती हमारे इसमें। हाँ, बेईमानी हो रही है, स्टैंपिंग हो रही है, ये पूरा रिंग नंबर के साथ नोट हो रहा है। हाँ, सारी चीजें नोट की जा रही है, मतलब काम पक्का है दोस्तों, ऐसा नहीं है, कच्चा काम नहीं है। कॉपी एक वहीं रखी रहती है, कॉपी एक क्लब के पास रहेगी, और ओरिजिनल जो है जो लॉक उनके पास चली जाएगी, दोस्तों। ये दूसरा बर्ड है सलमान भाई का, सलमान एंड आसिफ ब्रदर। हाँ, और इस समय बहुत बहुत पॉइंट्स कमा रहे हैं ये, मैं आपको बता दूं, दबा के सबसे सबसे ज्यादा इन्होंने कमा रखे हैं पॉइंट्स। तो मतलब जो मैं जितने भी खिलाड़ी हैं बता दूं सबको कि भाई कच्चे खिलाड़ी नहीं है ये, बच के रहे इनसे बस थोड़ा सा। ये देखो जी दोस्तों, नीरज भाई भी आ चुके हैं, ये 255 ब्लू बार।
राय राय लिखा होगा दोस्तों। देखो सारे के सारे मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब रिंकू भाई भी देखो मेहनत कर रहे हैं, बट रिंकू भाई के बिल्कुल भी नहीं है। एक बार दिखा दीजिए दोस्तों, ये देखो, मतलब कहने का मतलब है सारे बर्ड दिखा रहे हैं जितना हो सकता है। ये नहीं कि मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि फड़की में डाल के भेज दिया, ऐसा कोई काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब ये देखो दोस्तों, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, सलमान भाई कितने बर्ड हो चुके हैं अभी आपके? जी हमारे तो 19 कबूतर आए हैं सर, 6 बर्ड टैग हो चुके हैं अभी। क्या आपने खुद ब्रीडिंग करवाई है या लेकर आए पट्टे के? ये सारे बाहर गए हैं अभी, तो इस बार अब ब्रीडिंग हो रही है, इस साल जो खेलेंगे वो घर के पट्टे के। घर के दोस्तों, जैसे जल्दबाजी में अब वही सीन हुआ कि जल्दबाजी में ही कबूतर इकट्ठे करें, क्योंकि टेस्ट खेलने का शौक था और कबूतर थे नहीं घर में, तो ये बच्चे ही बाहर से लेके तैयार। 48 अतिक भाई, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है, सलमान भाई ने भी एक बात बोली कि बर्ड इनके पास थे नहीं, बाहर से बर्ड लेकर आए और रेस खेलने का चस्का था और ये खेले। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बर्ड है मगर वो खेलते नहीं। अब वो डर सब, देखो मैं तो सीधा बोलता हूँ, डरता मैं तो किसी डरता नहीं, या तो उन्हें डर है किसी चीज का, हारने का डर है या किसी भी चीज का। मगर देखो सीधी बात है, ये इनकी बात बहुत अच्छी है कि बर्ड लेकर आए और खेल रहे हैं। भाई देखिए, खेल रहे हैं ऐसी कंडीशन के अंदर टॉसिंग करी है ना, मतलब बर्ड को तैयार करने के लिए करीब 1 महीना चाहिए होता है। सही बात, जो हमें पर्सनल टॉसिंग करनी है। नहीं सही बात, तो ऐसे ऐसे मौसम में बर्ड छोड़े हैं तैयार करने के लिए। उड़ाए नहीं, और जितने भी यहाँ पे 10 के 10 ये खिलाड़ी जो बैठे हैं ना, ये मैं बताऊँ की ये सारे के सारे वाले हैं भैया, मतलब अपना बर्ड जो इतनी जल्दी करके उड़ा रहे हैं। और खास कर रस्तोगी जी आप तो आधी ब्रीडिंग करवाते भी हो? हाँ, मैं ब्रीडिंग कराता हूं। ब्रीडिंग करवाते हो? कोई पट्टा नहीं है मेरा। हाँ, मेरे सब घर के। आप तो ब्रीडिंग करवाते हो? तो ब्रीडिंग में तो जो ब्रीडिंग करवाते हैं भाई, उनके लिए भी बहुत वो है कि भाई बहुत मुश्किल है ब्रीडिंग करवाना। मैं पूरे ही ब्रीडिंग कराता हूं, पूरे ही छोड़ता हूं पट्टे। हां, और बहुत मुश्किल है ब्रीडिंग करवा के उड़ाना। पूरे पट्टे ही छोड़ता हूं मैं, और समझ लो मेरे को बड़ी दिक्कत होती है। सच में दिक्कत होती है उतारने, वो दिक्कत, दो फड़कियां उतारनी भारी पड़ जाती है। और आपकी एज क्या है अभी रस्तोगी जी? है जी, एज क्या है? 60 साल। देखो दोस्तों, 60 साल की एज है और 3-4 मंजिल तो है ही ऊपर आपका। 4-5 मंजिल है जी। हाँ, 5 मंजिल ऊपर पूरा जाल बना मेरा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये सीखिए, बेटा हमारा केमिस्ट का दुकान खोलता है, काम करता है। हाँ, ये अब आया 11:30 बजे दुकान बढ़ा के, जब आया से लेके आया। बहुत बढ़िया, मैं ऊपर बर्ड भर के बैठ गया था। हाँ भाई, उतारने के लिए आया, यहाँ से यहाँ भी गिर नहीं आया। बहुत बढ़िया। और वैसे उतरवाने के लिए मैं एक आदमी रखा हुआ, मैंने आयर करा हुआ एक आदमी, वो लेके जाता है। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, रिंकू भाई कितने कबूतर जा चुके हैं सलमान भाई के? अभी हो चुके 9 बर्ड हो चुके हैं और 18 बर्ड लेकर आए हैं। मतलब रस्तोगी जी आपको टक्कर देने वाले यही है, मतलब है ना, पूरे एकदम आप 18-18 पे चल रहे हैं, मतलब पूरा आप भी ले लो और आगे भी। 19 है सलमान भाई, क्या करके मार। बहुत बढ़िया। और एक बात और जी बताइए, अपने क्लब के अंदर एंट्री पास कबूतर भी नहीं था, बस एंट्री कर ले ली थी कि रेस के, फिर बाहर से कबूतर मंगवा। नहीं ये तो बहुत बहुत काबिल तारीफ है सच में। पिछले साल हमारे पास कबूतर नहीं, बहुत मैं तो सलमान भाई खुद ही कह रहा हूँ, बहुत लोगों के पास कबूतर होते हैं और क्लब में भी होंगे, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा। नहीं, वही मेन सीन है भाई के रेस खेलना। ओए होए, वाह वाह वाह, क्या माल लाए हैं भाई साहब। ओए होए, ये तो मुझे मिल जाए ना भाई साहब, लाजवाब। अतिक भाई करके पीएस के पैर पे रिंग दिखाओ। वाह जी वाह। और मैं रेड मिली का तो दीवाना हूं सच में। रेस के बाद ले जाना। अरे अरे यार, ये देखो, ये पता बहुत बड़ी बात है, गोले बाजू में नहीं, उमर बाजू में नहीं, अगर रेस तक। अरे अरे, बस आपने बोल दिया, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। नीरज भाई को बट पूछ, कौन से पता। सलमान भाई, ये ग्रीजल व्रीजल कहां से ला रहे हो? ये एक ऊपर दिखा दो इसके। ओए होए, मैं दोस्तों बता दूं कि अभी तक तो मैं सच बोल, देखो मैं ना सामने सब सामने टक्कर नहीं दे पाएगा अभी आपको। बड़े हैं हमारे, हम सबसे छोटे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये उम्र के चक्कर में छोटे बनते रहते हैं। नहीं, बड़े 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 मलूक कबूतर रख रखे हैं हमने, मलूक
बहुत अच्छे कबूतर। तो दोस्तों ये देखिए फड़की बना रखी है सलमान भाई की है, ये छोड़ने के लिए बना रखी है वैसे दोस्तों। जी भाई ये मैंने अपने हाथ से बनाई है। हाँ ये देखो ना आगे से जहाँ से कबूतर छूटेगा। दोस्तों एक कबूतर और दिखाए थे सलमान भाई का, ये देखो दोस्तों ये देखिए ये चिपका दिया। और दोस्तों हम तो यहाँ पे मजाक मस्ती कर रहे हैं, हर चीज चल रही है, मगर ये दो दो भाई बैठे है ना ये बिल्कुल कूपन पे कूपन चेक कर रहे हैं, गलत कूपन ना चला जाए आज मजाक के चक्कर में। ये देखो दोस्तों वाह जी वाह, अनारी आंख की वाह भाई साहब, ये दिखा दो भाई ये दिखा दो अब वाह। मैं तो देखो रतीक भाई एक चीज मानता हूँ, पेडिग्री वेडिग्री सब गई, कबूतर वापस आना चाहिए बस, सब गई, चाहे हमारे फैजान भाई की तरह वो जोगी आई हो, चाहे जोगी आई हो, चाहे वही तो कह रहा हूँ। अब मैं उसे कोई भी देखेगा ना उसे गोला ही बोलेगा। सही बात है। ये देखिए दोस्तों नीरज भाई का, अरे सलमान भाई क्या करके मानोगे, कबूतर तो खत्म करवा दो अब यहाँ पे, पूरी वीडियो आपके नाम की बन जाएगी, लगता लिखना पड़ेगा सलमान भाई का शौक। ओए होए 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 वाह जी वाह, ये भी अतिक भाई के घर का पट्टा है। देखो मैं किसी के घर मैं अतिक भाई से नहीं, देखो मैं एक बात बताऊं, बहुत कम होते हैं जिनके मैं खुद कहता हूं कि भाई आपके यहां कभी आऊंगा वीडियो बनाऊंगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया घर का पट्टा जो है, नहीं बहुत घर की पट्टी हमारे। ओए होए वाह जी वाह, बहुत ही मलूक, सच में मैं सच बता रहा हूँ, बड़े मलुक का कबूतर रख रखे हैं हमने। एक बार दिखा दे भाई पुरानी लिस्ट का। वाह जी वाह जी, नहीं भाई इसमें होगी, बहुत बढ़िया। नहीं कलर कलर मुझे भी कलरों का ही शौक है। अरे हे भाई ये तो लस्ट होगी जी, ये बहुत होगी इसमें ये रही। तो चलिए दोस्तों अब दूसरे खिलाड़ी जब आएंगे, तीसरे खिलाड़ी, तो उनका आपसे रूबरू करवाएंगे, मिलवाएंगे उनसे। तो चलिए दोस्तों अब जो हमारे अगले खिलाड़ी आए हैं वो है नीरज भाई। नीरज भाई कहाँ से हो बता दो एक बार। मैं जोहरीपुर से। जोहरीपुर से, और बहुत ही बड़ी शान स्वभाव के हैं ये, ज्यादा शोर शराबा नहीं करते हमारी तरह। ये देखिए ध्यान भी नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। तो ये कौन सा कबूतर है बता दीजिए एक बार। देख लो भाई मैं तो ये ऐसी करते डिम्पल भाई की वीडियो में भी ऐसी करते भाई, मुझे कुछ नहीं पता, देख लो भाई ये बहुत बढ़िया लगो। मगर आपका ना एक कबूतर मुझे बहुत पसंद है सच बता रहा हूँ। हाँ वो कासनी सा है एक, वो पता नहीं इसमें तो नहीं लाए होंगे वाला इन्हें, हाँ बहुत प्यारा कबूतर है वो, फीमेल है ना भाई, स्टैंप लगवाइए। चलिए दोस्तों कूपन चिपक गया है, और ये पहले रेस में दौड़ा है, दौड़ा ये पहले 150 में जा चुका है। कहाँ है दूसरी स्टैंप इनकी, इसके नीचे वाली। अच्छा अच्छा ये नान दे दिया होगा इन्होंने नीरज भाई ने, फीमेल है ना ऊपर वाले में जाएगी, ऊपर वाले में दोस्तों। यहाँ पे लाइट लगा रखी है जिससे कि थोड़ा सा चमक धमक बनी रहे हमारे वीडियो में। दोस्तों अब दूसरा कबूतर लेकर आए नीरज भाई, वाह जी वाह, लाओ जी रिंग नंबर बताइए। वाह भाई वाह, एक सेकंड पहनाइए जी रिंग नंबर, दिखाइए रिंग नंबर 00666। तो अभी नीरज भाई कैसा मजा आ रहा है रेस में, क्या है बहुत ज्यादा। नहीं वैसे मैं एक बात बता दूं, वीडियो आपने जो डिंपल भाई की बनाई थी उसमें बताया था रेस के आप बहुत उसमें हो रखे हो कि रेस खेलनी खेलनी है। हाँ नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, ये वाली लिखी होगी, ये लिखी होगी, ये लिखी होगी, ये लिखी होगी। भाई जी आपका नाम क्या है आपका? नासिर, एसएन लॉफ्ट से है ये हमारे, बहुत ही बढ़िया। और आप है कहाँ से? ओल्ड दिल्ली। ओल्ड दिल्ली से,
कहाँ पड़ गए इन चक्करों में आप, ये कबूतरबाजी में हैं स्मार्ट, इतने स्मार्ट बंदे आप हैं। हाँ लग तो ऐसे ही कुछ रहा है, बस जो एक बार पड़ गया फिर तो पड़ गया भाई। नीरज भाई बहुत रेज एकदम देख रहे हो, एकदम सीरियस हो रखे हैं बिल्कुल ही। दोस्तों ये दूसरी मोहर लग रही है कबूतर की, बहुत बढ़िया। सारे के सारे भवरे निकाल रहे हैं, ये देखिए वाह जी वाह। और आंखें एकदम नगीने बना रखे हैं सारे, नारी आंख के लाजवाब बना रखे हैं। दोस्तों ये बैनर है जो कि आपको कल सुबह भी दिखेगा, और हम जो है रेस के साथ ही जा रहे हैं तो आपको वहां भी दिखाएंगे बैनर और पूरी रेस की वीडियो दिखाएंगे दोस्तों। ओए होए बड़ी प्यारी आंख है यार इसकी तो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। वाह जी वाह। दोस्तों सबकी बन रही है तीन चार मिनट की वीडियो, तो हो सकता है कि ये कोई घपला कर रहे हैं। ये रिंकू भाई, रिंकू भाई क्या चल रहा है, ये किससे पैसे वैसे ले लिएगा किसी से? रिंकू भाई का ध्यान रखो ये। मतलब दोस्तों ये देख रहे हैं यहाँ पे 070 बहुत ही बढ़िया 070। दोस्तों जैसे कि एक कूपन इस तरफ का, एक इस तरफ का, एक वहां पे लगता है पेज पे और एक लगता है कबूतर की टांग पे, ठीक है दोस्तों? ये देखिए वाह जी वाह, एक सेकंड ऐसे रोक के रखिए। वाह जी वाह, तीन फीमेल आंखें बहुत बढ़िया बना रखी हैं। ये मुझे लगता है ये तो यहाँ नगमग लगाते हैं आप। चार दिन आपके, अब अगला कौन आ रहे हैं देखते हैं जरा दोस्तों। अगले खिलाड़ी मुझे लगता है रस्तोगी जी हैं। अब निकलेगा पूरा का पूरा लंगर। तो दोस्तों पहला पॉइंट निकाल दिया है रस्तोगी जी का भाई, ये जा रहा है नीरज भाई असल में। बड़ी वाली नंबर बता दिया ना, 304 है, आपने मैच कर दिया। दोस्तों ये चेक इसलिए हो रहा है, मतलब रिंग नंबर जब बताते हैं तो ये रिंग नंबर वहाँ पे चेक करते हैं कि ये वही बर्ड है कि नहीं है। ये देखिए दोस्तों एक बार दिखा दीजिए, रस्तोगी जी का पहला कबूतर है। ओए होए एक सेकंड, यहाँ से देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया। तो सलमान भाई यहाँ पे लगा रहे हैं और मेल फीमेल आसिफ भाई आप मेल लगा रही हैं सुबह, कल फोटो ऐसे पीछे आ रही है। पिछली बार भी लोग में से हो गए, दो ही बार सिर कुटक रहे सारे मेल फीमेल। चलिए दोस्तों दूसरा कबूतर निकाल रहे हैं, कोई सा भी निकाल लो सारे लाजवाबी हैं। बताते रहना कि मेल फीमेल क्या है दोस्तों जी, क्या है मेल फीमेल पता ही नहीं। 40 कबूतरों में से ये रस्तोगी जी की बात है तो बस तो जाएगा ये लोग गुस्सा भारत से, ये बातें हैं रस्तोगी जी की। ये आया है आपका 0124 ये आया बट चलो। हाँ हाँ दावत होगी अब तो ये क्या निकाल दिया भाई 062 वो 62 देखना सिर्फ मेरे पास। ये देखो जी ये देखो, ओए होए बेटे जीत के आना है, रस्तोगी जी का नाम करना है। ये बहुत बढ़िया, स्टैम्प कर दो भाई, स्टैम्प करो। कर दिया कर दिया। नहीं कटी हुई लिंक का एक ही था मेरे पास 03।
दोस्तों आप तीसरा कबूतर निकाला है और इसमें जो है पैर में रिंग डली हुई है 0600। और ये देखिए, और दोस्तों शौक कीजिए, बढ़िया बढ़िया एकदम कबूतरों का। और जो नए कबूतरबाज हैं वो भी देख के थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि भाई कमहूमर कबूतर होते कैसे हैं। एक बार दिखा दीजिए। ओए वाह वाह वाह, बस स्टिकर वो लगाओ। भाई चाय तो दोस्तों जो है अब इन पे टैगिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे जो जो कबूतर जो है केज के अंदर सेट हो रहा है, जैसे 20-20 कबूतर है ना मैदान भाई, 20-20 कबूतर जैसे जैसे सेट हो रहे हैं तो वैसे वैसे जो है इनको सील कर रहे हैं बेसिकली। तो ये देखिए सील कर दिया और उसके बाद जो है इसको जला दिया है कि अब यहाँ से खुल नहीं पाएगा है? खुल तो जाएगा वैसे नहीं खुलेगा, मगर जैसे जैसे जो है आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो जो है अतीक भाई जो है मुहर भी बनवाएंगे फिर यहाँ पे वो सील वाली गवर्नमेंट वाली। हाँ, इस पे सील लगेगी फिर आगे। हाँ, अभी तो ये देखो फर्स्ट ईयर है। सही बात है, कितना कुछ करे बंदा। सही बात, सही बात। अगले साल में ये होगा कि यहाँ पे सील वाली जाएगी, उस पे साइन होके जाया करेंगे। हाँ, वही कटेगी और वही डिलीवरी। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए दोस्तों जलाओ थोड़ी सी, ये अल्लाह जी अब बाहर की तरफ निकल, अभी ये हो गया ना, अभी ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसके वो जो दांत होते हैं वो सब जल गए। हाँ मेरी बात है, बात है और छह नल आपकी क्या है? मेरे तो एक मादी ने चार नल, दो तीस में आ जाएंगे, तुम एक दो किसी आ जाएंगे। अरे मेरा सुस्ता है, मेरे साथ आ गया मादी कितनी है? पांच तीन मादी ने, वो तो कितनी 12 और 3 15 और 14 भी भाई के भी आ गए। एक ही तो मादी ने की 20 का मेरा भाई का। जैसे कि दोस्तों की बात आपने सुनी हो अगर, तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कितने कितने कबूतर हैं। तो मतलब एक केज के अंदर 20 कबूतर रखे जाते हैं, बस 20 से ऊपर कबूतर नहीं है। इस केज की कैपेसिटी इतनी है, इस केज के अंदर आराम से 25 से 28 कबूतर बहुत अच्छे से आ जाते हैं। हां, मतलब पर्सनल टॉसिंग करी है तो 25 से 28 कबूतर से की है। अच्छा, ठीक है। अगर वो भी इसके अंदर 20 बर्ड्स सिंगल केज में भेज रहे हैं, हां वो इसलिए ताकि बर्ड कंफर्टेबल जाए। ठीक है, अब केज भी अगर आप अंदर से देखोगे ना, यहाँ पे बर्ड जब बैठता है इसके ऊपर ना तो बीट वगैरह सब नीचे निकल जाती है। ठीक है, साइडों में जो कपड़ा लगा हुआ है इसकी वजह से पर खराब नहीं होता, क्योंकि जब बर्ड अंदर घूमता है तो जाली होती है ना, तो पर खराब होते हैं, पूछ खराब होती है बर्ड की। तो दोस्तों ये बता दूं, ये जो केज है ये RRPC क्लब में ही मिले, मतलब बनवाए हैं, मतलब जो आप रजिस्टर करवाते हो अपने आप को तो ये आपको केज और रिंग्स मिलते हैं। जी जी, आपको केज और रिंग्स मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि ये केज जो है पर्सनल टॉसिंग में भी काम आया है और जब रेस का टाइम आता है तो उस टाइम पे रेस में ये केज होते हैं, तो ये है कि बहुत काम आते हैं। सेफ जाता है इसमें, पकड़ भी, और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, किसी भी बंदे की कोई ये शिकायत नहीं आई, खुला हुआ लेके जाओ के अंदर कोई दिक्कत हुई है या पर खराब हो गए हैं या भीग गया। कभी ऐसा होता है ना, नीचे अगर जगह नहीं हो तो बैठता है बट तो वो बीट करता है तो उसके अंदर वो पर भी पूछ भी पैर भी गीले होते हैं, गीले होते हैं, मगर इसके अंदर ऐसी दिक्कत अभी तक किसी की नहीं आई। नहीं कि दोस्तों किसी की तो शायद ऐसी शिकायत नहीं है कि गीला सा आया है पर खराब हो गया उसके। और आगे के लिए भी ये डिसाइड हुआ है, जो मेंबर जुड़ेंगे उनको भी सबको केज दिया जाएगा, आगे भी हम लोग केज आगे प्रोवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक हम सोच रहे हैं कि फर्स्ट 20 मेंबर्स को दें, मगर अब आगे जो सोच रहे हैं ना, अगर जो भी एड ऑन होंगे ना, चाहे 50 हो 100 हो, सबको एक केज और रिंग, रिंग मतलब जैसे जो पहले के साथ किया है वो 100 के साथ होगा वो। नहीं ये बात तो आपकी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैंने जब आपकी वीडियो देखी तो मैं सोचता कि यार वो 20 के साथ तो इंसाफ हो जाएगी, ना इंसाफी 20 के साथ ना इंसाफी इस वजह से भी नहीं थी क्योंकि वो फर्स्ट 20 है। हाँ ये बात सही, जो बात पहले आओ और पहले फॉलो वाला भी। सही बात, सही बात। मगर हमने ये चीज इसलिए सोची क्योंकि ये एक ना कंपलसरी है, और नीड है बंदे की। हां उसे पर्सनल टॉसिंग करनी है तो उसे केज चाहिए। सही बात है, वो या तो अपने पास से कोई केज बनाए। हां सही बात, या फिर ये लेके जाएगा तो उसका बट हमारे हिसाब से कंफर्टेबल है, वरना मैं सलमान भाई की तरह वो ले आएंगे, क्या नाम है, पूरा पेट उठा के। नहीं सलमान भाई नहीं, क्योंकि
सलमान भाई दो बट क्या है स्कूटी पे आराम से ले आते हो हाँ। और नहीं बेसिकली होता क्या है कि जब अभी ये जहाँ पे रेस जो हो रही है दोस्तों तो रेस में जो ये बर्ड जाते हैं ना तो इसी फटकी में जाते हैं और फिर यहीं से यहीं पर के सारी की सारी फटकियाँ यहीं इकट्ठी जाती हैं तो कोई लेके जा नहीं पा रहा तो सब अपनी अपनी फटकियाँ में लाते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसमें डाल लेते हैं फिर मेरी दो महीने की मेहनत है जो ये फटकियाँ बनी है ये बिल्कुल सही बात है रान भाई ने बहुत भाग दौड़ करी है इसके लिए अच्छा मतलब ये भी है बीच में मतलब चप्पल भी घिस गई इनकी बेचारों की एक जोड़ी नहीं दिलवानी पड़ी अपने पास अच्छा मतलब ये भी है आइए अच्छा अच्छा हाँ फोल्ड हो जाता तो मैंने पता है इम्पोर्टेड है ना ये तो इम्पोर्टेड अच्छा खुद बनाया कॉपी बनवाई है अंदर की जो बॉडी है वो सारी स्टील की है जंग लगने का कोई दिक्कत ही नहीं बहुत चलिए भाई जी आपका नाम बताइए एसएन लॉफ्ट तो आइए चलिए एसएन लॉफ्ट से आ रहे हैं भाई हमारे हमारे अगले खिलाड़ी हैं ये और कितने कबूतर लेकर आए भाई जी हम सात कबूतर लेकर आए और भाई साहब दबंगी देख लो इनकी भाई साहब वाड़ी वाड़ी दोस्तों ये देखिए इन्होंने भवरा कबूतर निकाला एकदम डार्क क्या बोलेंगे इसे वैसे कबूतर को डार्क चेकर वाह जी वाह दोस्तों अब इनके कबूतर को जो है लेवल लॉफ्ट 36 बहुत बढ़िया एक मिनट रुको कट कर लूंगा कोई दिक्कत तो दोस्तों जो आपको ये जो केज है इसका एक बार दिखा देते हैं इसका रिव्यू कैसा है कैसा नहीं है कैसा दिखता है मतलब ये आप देख लो और कैसे फोल्ड हो जाता है ये देख लो आप ये देखो अंदर से इनके जो है लॉक हटा दिए बंद किया और ये ऐसे बंद हो जाता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब उसके बाद यहाँ पे इसने इनके बटन लगाओ साइड के बटन लगाओ साइड के बटन लगा के और अपना गांव ले जाओ सीधा वाह जी तो ये दोस्तों ये आपको अगर क्लब में जो आप एंट्री लेना चाहते हो और अगर आप हुमर पालते हो वैसे रातिक भाई बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हुमर है मगर आपके क्लब में नहीं होंगे और उन्हें पता भी नहीं है कि इस तरीके कोई मतलब शायद हो कई बहुत सारों को नहीं पता होगा तो वो क्लब में आ सकते हैं अतीक भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डालूंगा नहीं हाँ, वीडियो में मत डालना हाँ, क्योंकि हमें कभी हटाना पड़े तो हम हटा देंगे हाँ। तो ये दोस्तों ये देख लो ये फड़की मिलेगी उसको और कुछ रिंग्स मिलेंगी कितनी 10 क्लब की रिंग होगी 30 रिंग्स 30 रिंग मिलेंगी और जो एंट्री फीस है वो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है तो वो आपको वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये देखिए बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी का यूज किया क्योंकि देखो इन्होंने खुद यूज करना है ये नहीं कि इन्होंने बेचने खरीदने का काम करना है हाँ और लाइट वेट है मोटी चेन मोटा पैसा देखिए इनसे मोटा पैसा तो किसी के पास नहीं होगा है ना बढ़िया बनी है ना ये देखिए दोस्तों दोस्तों हम अगला कबूतर निकाल रहे हैं देख लिए 3-4 कबूतर निकाल लिए थे बातचीत में और ये देखिए ओए होए वाह 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 इसे क्या बोलेंगे इस कबूतर को यार ये कबूतर तो कुछ अलग ही लग रहा है मतलब चलो कोई नहीं भाई जी मेल है कि फीमेल है बहुत बढ़िया दिखा दो एक बार ये हीरो है नासिर भाई का हाँ सेल कर रहे हो क्या अब अगला आप कबूतर कौन सा निकाल रहे हो दिखा दो कितने कबूतर हो चुके हैं वैसे आपके अभी सात कबूतर हैं
दोस्तों ये देखो, इसके पैर में जो है ना क्लब का रिंग भी है ना, नहीं है एस एल लॉफ्ट। अच्छा, और दूसरा दोनों एस एल लॉफ्ट। अच्छा एस एल लॉफ्ट, क्यों दो दो क्यों डाले, मोटा पैसा है। तो दोस्तों ये देखिए लेवल चिपके जा रहे हैं एक के बाद एक। और ये देखिए दोस्तों, वीडियो स्किप करेंगे तो बहुत सारी बीच बीच में छोटी छोटी नॉलेज थी वो आप खो देंगे। तो मैं ये कहूंगा कि एकदम तसल्ली से चाय पानी लेके बैठिए और आराम से वीडियो को देखिए। नॉलेज से भरपूर वीडियो है। हाँ नहीं, नॉलेज से भरपूर है, हंसी मजाक सब कुछ मिलेगा। हाँ, और मैं इस चीज का दावा करता हूँ, रेसर में आज तक ऐसी वीडियो, इतनी बड़ी वीडियो और बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। तो आप आराम से देखिएगा इस वीडियो को, मजा आएगा आपको बड़े टीवी पे। और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, रस्तोगी जी मेहनत कर रहे हैं, और हमारे जो जितने भी 9 खिलाड़ी और हैं रस्तोगी जी के अलावा, ये सारे के सारे मेहनत कर रहे हैं। हमारे नीरज भाई चले गए हमें छोड़ के, उन्होंने कहा तुम ऐसे ऐसे करवाओ, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर, है ना। हाँ, मैं तो जा रहा हूँ, तुम घर तेरा, मेरा बर्ड छोड़ देना वहां से भैया, सीधी बात, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा बर्ड की एंट्री करो। क्या लगा रहे हो इसके अंदर आप? अच्छा, तो दोस्तों अब अगले खिलाड़ी जो है हमारे अतीक भाई हैं, और अतीक हैं वी एंड ए लॉफ्ट, मतलब पूरा फुल फॉर्म बताइए इसका। वसीम एंड अतीक भाई, ये आपके आपका नाम है? हाँ, वसीम भाई बड़े वाले भाई का नाम है। अच्छा अच्छा, और अतीक में। तो जो हमने अतीक भाई के तो ऊपर आपको लॉफ्ट में कबूतर दिखाए हुए हैं बढ़िया, और ये देख लीजिए बाकी कुछ आपको सामने दिखाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये आपका नर कबूतर है जी, ये नर कबूतर। ये देखिए, ये होती है खिलाड़ी की, देख रहे हो, दुम पुम सब दिखा दी, लो देख लो। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और दोस्तों और भी जैसे जो भी कोई, मैं आपको यही कहूंगा, जो भी हुमरबाज अगर इस वीडियो को देख रहा है तो भाई वीडियो में सर कबूतर दिखाया करो, ये ना हो कि फड़की में डाल के सीधा छोड़ दिए। ये लो जी दिखा दिए सारे, ये देखो आज आपको पूरे सारे कबूतर, मोहसिन भाई कह रहे थे पूरा पचित्ता खोल देंगे विशाल भाई। तो ये देख, ये दूसरी रेस है इसकी, कौन सा इसमें मैं दे रहा हूँ। वाह जी वाह दोस्तों, दूसरा कबूतर निकाला है। और अतीक भाई इसके पैर में दो रिंग है जी भाई, एक क्लब की है जो पहले क्लब था ना। अच्छा अच्छा, RH 09 अरे ये उठा ला है, कोई कबूतर ले आए। 0301 अरे इन पे जुर्माना लगाओ। आज कहाँ से ले आए कबूतर उठा उठा, क्या 660 लिखा हुआ भाई, 660 लिखा हुआ है, उल्टी वो रख रखी है गिनती, 660 है, दोस्तों वीडियो बन रही है, 09 था वो, 660 क्योंकि पिछली बार मैंने भी करवाया था ना, टैग नहीं करवाया था। अरे अतीक भाई ने क्या करवा दिया ये, हमने एक्स फाइटर की वीडियो में देखा है ये। हाँ, पिछली बार टैग किसी और भाई ने लगवाए थे, टैग तो हम ही लगा रहे थे, लिखने नहीं, वाले मतलब कोई मैंने हाँ। बर्ड अपने हाथ में नहीं था ना, तो एक होता है कि भाई पता रहता बंदे को कि ये नंबर होगा, मेल फीमेल, ये मेल है भाई। देखो इस टाइम तो लगी है सबूत। हाँ, और इस टाइम जला भी दी थी मैंने उसी टाइम, हां जल गई थी भाई, कोई नहीं कह सकता। लो जी लो, ये मेल है ना भाई, कबूतरी है, ये कबूतरी है अतीक भाई, ये मेल है, ये मेल है, ये जो है जिन थर्ड प्लेस आई आई जो मतलब थर्ड नंबर पे आया। दोस्तों ये वही कबूतर है जो पिछली रेस में थर्ड नंबर पे आया था। और दोस्तों इसका भी जो है शौक कराएंगे आपको, ये देखिए लॉफ्ट में फंसता है। अच्छा एक
वाह जी वाह। अच्छा अतिक भाई, मैं इसका भी पूछना चाहता हूँ कि ये धूम से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? भाई एक ये बोन का पता चल जाता है, हड्डी जो होती है ना यहाँ की कितनी स्ट्रॉन्ग है ना, उस चीज का पता चल जाता है। ज्यादातर जो गोला कबूतर होगा या जो क्रॉस होगा ना, वो पूछ एक तो समेट के नहीं रखेगा, वो बार बार पूछ को फैलाएगा ऐसे, ठीक है। और ज्यादातर जो अच्छा माना जाता है ना, वो बर्ड की टेल या तो सीधी रही या नीचे जो सोर मारे, मगर इससे फर्क पड़ता है कि वो वापस आएगा वापसी का? इन चीजों से देखो भाई, स्ट्रॉन्ग जितनी हड्डी जितनी मसल स्ट्रॉन्ग होगी उसी से फर्क पड़ता है। अब आप कोई स्ट्रॉन्ग बंदे को लड़वाओगे, कमजोर बंदे को लड़वाओगे, तो भाई आपको पता ना जीतेगा। स्टैंप हो गई इसकी, तो चलिए एक बार चलते हैं रस्तोगी जी के पास। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दिल में कि कुछ बोलना चाहते हैं रस्तोगी। क्या आप क्या कहते हो इस बारे में? नहीं, हमें तो इस बारे में नहीं पता है, हमें नहीं कि मतलब टेल बोन के बारे में कुछ नहीं, बस वापस आ जाए। बहुत बढ़िया, जो जीता वो सिकंदर। हाँ सही बात है, बिल्कुल ये बात सही कही है। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा जमघट बना हुआ अभी भी इस समय, और सिर्फ हमारे एक खिलाड़ी चले गए, बाकी सबके सब अभी यहीं पर ही उपस्थित हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, देखिए बताइए आतिक भाई। भाई जी, जो नंबर है ना इसके रिंग के, ठीक है, तो ये सारे नंबर्स बिल्कुल सेम है। ये पिछली बार के 150 GPS में जो खेले थे, ये उसकी टैग शीट है। इसमें एक बर्ड मेरा मिस हो गया। अच्छा, ये वसीम 128 के नाम कबूतर थे इसके अंदर। इसमें एक बर्ड मेरा मिस हो गया 128 वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेरे पांच ही बर्ड बचे, तो अभी पांच बर्ड की रिंग बिल्कुल सेम नंबर लिखे हुए, अगर आप मैच करके देखो। बिल्कुल, देखो 042 042 126 126 099 099 और आपका 092 092। और सौ बातों की एक बात, काम हो रहा है कागजों पर, पक्का काम, पक्का ऐसा नहीं मुंह से। हाँ जी, मेरा वो गया था, मेरा वो हुआ था, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल पेपर पे सबके सामने। और अतिक भाई एक बात, आप रख दो कागज, फिर मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। एक जब मैं यहाँ पे आया था तो आपने बहुत अच्छी बात कही थी, जो मेरा दिल खुश हो गया था। बहुत सारे कबूतर बेचते हैं जी। और ये कहते हैं, अरे भाई ये मेरी पिछली रेस में फर्स्ट मारा है। हाँ। अरे भाई इसका बच्चा जो है फर्स्ट मारा है। हाँ। मगर फर्स्ट मारा है, सबूत क्या है भाई? ये रिकॉर्ड अब यही रिकॉर्ड रहेगा। हाँ, अब देखो मैं बताता हूँ, अदी भाई है RRPC के, RRPS के वाइस प्रेसिडेंट। हाँ ठीक है, तो इनके पास पूरा रिकॉर्ड है जी। अगर मान लो आप ग्रुप इसमें जुड़ते हो क्लब में, अगर मान लो कि कोई भी इनमें से 10 में या 20 में से कोई भी बोलता है ये बात कि भाई मेरा जो है कबूतर फर्स्ट मारा है, तो आपसे जानकारी ले सकता है, अगर वो भी क्लब में है तो, कि भाई ये फर्स्ट मारा था। नहीं, क्लब में नहीं भी है। हाँ। तो वैसे भी जानकारी ले सकता है कि भाई मैं ऐसे से बर्ड परचेज कर रहा हूँ। हाँ। क्या ये बंदा आपके क्लब में है और इसने प्लेसमेंट मारी है? बिल्कुल। और हुमर का कोई नहीं बता सकता कि भाई ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो तो जब आप छोड़ोगे तभी पता चलेगा। और ये बता सकता है मगर? हाँ, ये अब इसमें जो थर्ड प्लेस मारी थी, मतलब वो कौन सा कबूतर है आपका भाई? थर्ड प्लेस मारी थी वो बर्ड है 042 042। देखो ये इसमें है, तो अभी इस बार क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो बात है। कबूतर 3000 का हो या 5000 का वो फर्क नहीं पड़ता, मगर कबूतर की नस्ल अच्छी होनी चाहिए, सबसे मेन चीज वही है। हाँ, अब आपके समझ में आ गई तो ठीक है, वरना इस वीडियो को वापस से देखो और समझने की कोशिश करो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बात कीजिएगा विशाल भाई, अब समझाएंगे, विशाल भाई को समझ में आ चुकी है। हाँ, नहीं सही बात है। नहीं, बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि अरे हमारा ये कबूतर ना फर्स्ट मारा हुआ है, अरे हमारा ये ना पिछली उसमें इसके माँ बाप फर्स्ट मारे हैं। क्या सबूत क्या है? नहीं तो सबूत है, अब से टैग शीट है ना। हाँ, इंसान बेचने के लिए 100 झूठ बोलता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये किसका कबूतर? रिंकू भाई, अरे रिंकू भाई आ गए, रिंकू द डॉन आ गए हमारे भाई। रिंकू भाई ये घर का है क्या है? ये घर का बच्चा है। घर का बच्चा है, फीमेल। आप ऐसे दिल से ही शरीफ हो या मतलब ऐसे अंदर से खूंखार इंसान हो? सच सच बता दो, दिल से बता दो आज। हैं? फिर शरीफ हो ही नहीं आपको मैं बता दूं। जो बोल देना हाँ मैं शरीफ, कोई ओए, अंदर तो भर रखे हैं भैया। ये आपके क्लब का रिंग है? नहीं, मतलब आपके लॉफ्ट का। हाँ जी, RBM लॉफ्ट। RBM लॉफ्ट। RBM लॉफ्ट का फुल फॉर्म? वो नेम पे हमारे। तो नाम तो बताओ। रिंकू। अच्छा, मेरी वाइफ का नाम। अच्छा, बहुत बढ़िया।
भाई इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये तो देखो हाँ सबसे ज्यादा मेहनत पता है हाँ हमारे शौक के अंदर हम ही लोग नहीं करते, सही बात है, हमारी फैमिली जो फैमिली के बच्चे होते हैं ना वो भी बहुत सफर करते हैं, सफर करते हैं हम लोग लगे हुए होते हैं ना उनमें कि भाई ये रोटी बना दो या कुछ, सही बात है, चिकन या पार्टी मतलब हम लोग ये लोग कभी दाल डाल देते हैं, सही बात है, सही है, हम ही लोगों की एफर्ट नहीं है, फैमिली का ही बहुत बड़ा है, ताना दरवाजा है, ताना दरवाजा तो पूछना, हाँ सही बात है, और क्या खास तौर पे शादीशुदा लोगों के साथ सबसे ज्यादा मेन जो है उनकी वाइफ इन्वॉल्व होती है, सबसे ज्यादा सपोर्ट उन्हीं की होती है, सही बात है, और जो कुंवारे होते हैं उनके साथ फैमिली की सपोर्ट होती है, और सबसे बात है फैमिली अलाउ करती है कबूतरबाजी करने के लिए, वरना तो कबूतरबाजी के नाम से ही लोग कहते हैं अरे भैया क्या कर रहे हो ये काम, सही बात है, सही शौक कर रहा बंदा अपने घर में कर रहा है, आजकल के माहौल ऐसे है घर वालों को ये डर लगता है कि बाहर बच्चा हमारा बाहर ना जाए, सही बात है, शॉप के अंदर कम से कम घर पे तो है, बिल्कुल सही बात है, काम है तो नीचे से छत पे आके आवाज मार लेंगे कि हाँ जी जरा नीचे आइए, सही बात, सही बात है, बंदा घर में मिल रहा है ना, सही बात, पता लगा चाहता कि हाँ जी उसकी लड़ाई हो गई वहाँ पे, सही बात है, उससे झगड़ा हो गया, हाँ वरना आदमी तो फिर आवारा गर्दी में लगी जाता है कहीं ना कहीं दोस्त यारों में बैठे उल्टा सीधा, था बंदा खाली होगा, सही बात है, तो रिंकू भाई आप अगला का उत्तर निकाल रहे हैं, पिछली बार दो भाई गए थे वो दोनों जाएंगे, इस बार ड्राइवर साहब दूसरे ड्राइवर साहब को लेके आए, दूसरी गाड़ी जा रही है, दोस्तों अगले हमारे अहमद भाई आ चुके हैं, अहमद भाई कहाँ से हैं आप बता दीजिए, नोवल्टी सिनेमा चांदनी चौक, नोवल्टी सिनेमा, नोवल्टी सिनेमा चांदनी चौक, चांदनी चौक, तो वहाँ पे ये तो दुनिया भर की चिड़ी मारी है वहाँ, बहुत सारा, तो कैसे बचा रखे हैं अपने नगीने, हाँ, उड़ा रहे हैं उनके अंदर, है ना, और देखो दोस्तों ये देखो ये तो एक हुनर है, आप कुछ भी बोल लो कि चिड़ी मारी है कुछ भी है भाई, उड़ाना है तो जिसे उड़ाना ही है वो तो, है ना, वो तो रुकेगा, आपने मुझसे क्वेश्चन था स्टार्टिंग में कि आपको कबूतरबाजी का शौक कहाँ से लगा, हाँ छोटा सा था कि छत पे जाता था और यहाँ से मुझे शौक लगा, अरे लौंडा बिगाड़ दिया तुमने, आओ बैठो नीचे बैठो, आ जाओ, तो दोस्तों भवरा दिखा रहे हैं, कितने कबूतर हैं आपके पास, सर मेरे तीन कबूतर हैं, मैं छह लेके आया था, तीन मेरे मिस हैं, अच्छा अच्छा, और तीन बचे हुए हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ये लॉफ्ट है मेरा, अच्छा लगा लीजिए ये, हाय हाय वाह 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 जी वाह, सात महीने, सलमान भाई तुम जा रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, जीरो सलमान भाई नहीं जा रहे, वो चला हो रहे हैं, सलमान भाई एक बार जा भी रहा हो तो झपका मार के जा लेंगे, चेक करके भेजेंगे, आसिफ भाई को अगली बार भेजेंगे, अगली बार जाएंगे, एक कल तो कह रहे हैं दानिश भाई साथ कुछ लगे हुए, कह रहे हैं कल उधर दानिश भाई साहब के भैया मेरा कबूतर तो पहले आ गया आज, नीचे फीमेल है, फीमेल कहाँ पर है, फीमेल भाई फीमेल, अच्छा भाई वाह जी वाह, तीन कली का पट्टा है जी, ये थर्ड या फोर्थ, ये भाई इन्होंने सबसे ज्यादा जिदारी की बात ये है कि इन्होंने ना छोटे छोटे पट्टे तक छोड़ दिए, पट्टे पट्टे छोड़, और इस वजह से कि इन्हें रेस खेलनी थी, और ये सबसे पहला आया था, हर लोग और ऐसा नहीं है कि रेस पीस के अंदर क्या कहते हैं कुछ गुंजाइश हो जाती है जिसके बर्ड का, रेस पीस एक बर्ड से अगर बंदा खेले तब भी वही है, और अगर जिसके बीस है उसके लिए भी वही रेस, सही बात है, मगर फिर भी भाई ने भी तीन तीन चार चार कली के पट्टे तक छोड़ डाले, बहुत बढ़िया, वो वापिस भी आए, डाली तो डालने वापिस भी आए, वो कौन सा डायलॉग मारा था फिर भैया, हाँ डायलॉग कौन सा था, नहीं वो मैंने आपकी बात पे कहा था ना, हाँ। कि आप कह रहे थे कि भाई पालता तो पालते तो बहुत लोग हैं मगर हर हाँ। कोई रेस नहीं खेलता, हाँ। तो वो एक सनी देओल का डायलॉग है ना, हाँ। ये बाजार में बहुत बिकते हैं, हाँ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे चलाने वाला जो जिगरा चाहिए ना वो मर्द लेकर पैदा होता है, वो किसी बाजार में नहीं बिकता, बिल्कुल सही, रेस ऐसी है तो इसमें सारे नर हैं, पर रेस खेलने वाले सारे नर हैं, बहुत बढ़िया बात है, ओए होए वाह वाह क्या खिला के लाया, उनके मुंह में दाग लगा रखे हैं जो ये बता नहीं रहे, ये लगाया कि तेज इसे भगा के लाओ, अरे मलाई मलाई नहीं है ये, असली मलाई लगा दी इन्होंने, क्या वापस नहीं भाई, ग्यारह ग्यारह वापस नहीं आ रहे हैं तेजी से, अब लगाऊंगा मलाई इसमें, मलाई तो आएंगी तेजी से, है ना, है ऐसा होता है, होता है ऐसा, वजह से अपना अपना नुस्खे हैं, अरे वो ये मैंने यहां लिखवा दिया, जीरो पहले जीरो नॉर्मल
दोस्तों देखिए ये क्या माँ है इनकी? नहीं बड़ी बहन उसकी। अच्छा उसकी बड़ी बहन है ये। जीरो नौ है ना। लीजिए मॉल लगवाइए, मॉल लगवाइए। एक बार दिखाइए, ऐसे दिखाइए। बहुत बढ़िया, बहुत हो गया आपके पूरे। अच्छा तो ये टैग जो है मतलब जब जब ये छुड़ाते हैं तो मतलब इसकी चिपकन कैसी है? अच्छी है कि तब आराम से निकल जाता है? मतलब यहाँ आने तक तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए और दोस्तों जो है सब कुछ खत्म हो चुका है। और जो जितने बजे खत्म हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों 12:35 पे जो है हमारा ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है, मतलब बस। हाँ ये देख लो 12:35 हो चुके हैं, 9 बजे आए थे, 9 बजे से 12:35 हो चुके हैं, तब तक ये प्रोसेस खत्म। माहौल लग चुकी है सारे बर्ड पे। हाँ आइए थोड़ा पास में आइए। जितने भी बर्ड्स थे ना, हाँ सारे बंदों के बर्ड्स पे माहौल लग चुकी है, केज भी लॉक हो रहा है। ये देख लो दोस्तों इस तरीके से सील लग चुकी है। हाँ ठीक है, अब जो स्टैम्प है स्टैम्प हम लोग डैमेज कर देंगे। अरे बाबा, अरे बाबा, मतलब कि कोई जाली काम हो ही ना। हाँ दोस्तों आप बात समझे, समझने का मतलब ये है कि स्टैम्प जलाने का मतलब ये है कि मगर ऐसी दूसरी स्टैम्प हो तो भाई जी। देखो अगर बनाने वाली बात है तो देखो अलग है, मगर अब बनाने में भी तो टाइम लगेगा और फिर बर्ड पे लगाने में टाइम लगेगा। स्टिकर दोबारा सेम कहां से लगाएंगे? अब ऐसे तो पैक ही कर दिए, अब क्या लगाएंगे? अब तो हम लेके ही जा रहे हैं साथ। हाँ ये देखो दोस्तों अभी तो वाकई में डैमेज हो गई, खत्म हो गए। ठीक है अभी किसी काम की नहीं। अब आप अगली बनाओगे, अगली रेस के लिए अलग बनेगी। ठीक है दोस्तों, जो जो चैन देख भी रहे हो हुमर वाले इस क्लब से जुड़े हुए तो देख रहे हैं दोस्तों, जला दिए। हाँ बस ठीक है ना, सारे जितने भी नंबर हैं सब मिट चुके हैं। तो दोस्तों रस्तोगी जी आ गए, आइए रस्तोगी जी। ये रिंकू भाई भी हमारे आ गए। रस्तोगी जी वहां रखना मत अभी। तो दोस्तों ये जो जहाँ पे अभी हम कर रहे थे, यतिक भाई भी आ चुके हैं हमारे, और ये हमारे दूसरे भाई आ चुके हैं, दूसरे खिलाड़ी। अरे इनकी नासिर भाई के हमने कबूतर देखे नहीं मगर, क्या देखे थे नासिर और सलमान भाई के? अच्छा 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 अच्छा, एक साथ से वो जो तगड़े से थे जो। ये लो जी हमारे, ये लो जी अगली फड़की आ गई है, और ये लो मिर्जा भाई भी आ गए हमारे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक के बाद एक फड़की लगाते जा रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारे सलमान भाई आ गए हैं, और ये हमारे साथ जा रहे हैं। भाई आपका नाम क्या है? शाकिर भाई, गुस्से में तो नहीं हो? नहीं उस सामान वो उधर ले, सोगी जी लेके आए ना। अच्छा वो ले गए होंगे गाड़ी में। हाँ चलिए तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम चल रहे हैं गाड़ी में, गाड़ी वहाँ सामने खड़ी हुई है, तो चलिए वहाँ चलते हैं। आइए आइए, एक एक करके सारे ले आइए फटाफट। दोस्तों इस गाड़ी में हम जाएंगे, लो जी पहले अच्छे से खोल लेते हैं। और सारे के सारे खिलाड़ी देखो, रात के जो है इस समय 1 बजने को हो रहा है, और सारे के सारे तैयार हैं देखो। चलिए जी, और गद्दे बद्दे हमारे सोने के लिए। ये हमारे रिंकू भाई और सब सारे के सारे खिलाड़ी हेल्प करवाते हुए। फर्स्ट रेस में विदाउट
तो दोस्तों ये जो है रतीक भाई हमारे लिए इतनी मेहनत करवा रहे हैं, कह रहे हैं तिरपाल लगाओ यहाँ पे क्योंकि भाई ठंड बहुत ज्यादा है, काफी रास्ते में दिक्कत होगी। हाँ तो इसलिए पिछली बार ऐसा नहीं है कि रतीक भाई अपने कबूतरों का ख्याल कर रहे हैं, हमारा भी ख्याल कर रहे हैं। पहले ख्याल है, हाँ अगली बार जाएंगे भी नहीं लोग। सही बात है, नहीं हम फर्स्ट टाइम जा चुके हैं भाई, तिरपाल लगाओ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे फड़की लगा दी है, ये 6 फड़कियां हैं टोटल जिसके अंदर 20-20 कबूतर हैं, किसी में कम भी हो सकती है शायद, हो सकता है। और बाकी गद्दे वद्दे लगा रहे हैं और अभी यहाँ पे लास्ट मीटिंग करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ से। तो दोस्तों जो है सारे की सारी फड़कियां जो है टेम्पो में डाल दी है, अब यहाँ से हम निकलेंगे। और ये वाला जो इलाका है ना शाहदरा का इलाका है बेसिकली दिल्ली का, तो अब दिल्ली से हम कहाँ पे जाने वाले हैं अतिक भाई आप बता दीजिए। दिल्ली से जाएंगे भाई राजस्थान ढोलपुर के पास, ढोलपुर के पास यहाँ से तकरीबन जो है आपको बताई दिया है 200-250 जो पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, मैं भी इनके साथ निकल रहा हूँ और हमारे जो है नसीम भाई भी निकल रहे हैं, नसीम भाई और शारिक भाई निकल रहे हैं। तो जो वहाँ पे अब रस्ते का जो होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे और वहाँ पे चल के जो भी छोड़ेंगे कबूतर जिस तरीके से वो आपको सब दिखाएंगे, और बाकी जो है अपडेट आपको पूरी मिलेगी, बने रहो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों गाजीपुर से थोड़ा सा दूर हम जो है यहाँ पे CNG फिल करवा रहे हैं, उसके बाद सीधा के सीधा फिर हम परी चौक से मतलब गेट नोएडा वाले रूट पे के निकल के, और ये रखोगे तो दोस्तों इन सबकी सील कट रही है, आप देख लो चेक कर लो, ये देखो ठीक है, एक साथ सबकी काट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो भाई हमने सारे कबूतर रिलीज करने शुरू कर दिए, ये सब हमने रिलीज कर दिए हैं, सारे आज़ाद कर दिए।